नमस्कार, मैं अनुज पाल, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर में कल केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर आगमन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिनमें 2367 करोड़ की 226 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का भूमि पूजन और उनका लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पूरा कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जो टोटल लंबाई है वो 42 किलोमीटर है। बरना रिवर से लेकर के केन रिवर तक का पूरा सेक्शन है, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट है 315 करोड़। और थर्ड प्रोजेक्ट जो है शहडोल से लेकर के सागर टोला नहीं, पर ये मानेंगे तो नहीं आपको बाद में भी यही करेंगे। आप रेडी आ जाना, बाद में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है ना। पहले चर्चा होगी कि बाइट होगी, पहले चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र के जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, उनके लोकार्पण का और उनके शिलान्यास का एक कार्यक्रम आयोजित है। ये कार्यक्रम माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कार्यक्रमों से होगा। इसमें कई माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण, माननीय मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की मोटी मोटी रूपरेखा के बारे में आज नेशनल हाईवे के हमारे अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको इस बार मुझे ऑफलाइन बता दें कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाएँ किस तरीके से की हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँगा। खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी के आने से क्या होता है, बहुत सारे हितग्राही हैं, बहुत सारे आवेदक हैं, आवेदन देते हैं और सामान्य तौर पर ये आवेदन किसी एक जगह पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और फिर उनकी एंट्री वगैरह बाद में करा के उसका निराकरण दिया जाता है। उस व्यवस्था में बदल दिया तो मेरे को पावती नहीं है, मेरे पास उसकी गारंटी नहीं देती कि मेरा आवेदन हो तो नहीं जाएगा, कुछ तो नहीं करेगा। तो उसके लिए कल हमने एक अरेंजमेंट ये किया है कि पूरे पंडाल में जो है करीब 10-20 जगह पर जो है हमारे पेटियां लगी रहेंगी, जहाँ पर कि लोग आके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और आवेदन जमा कराने में चूंकि आपको पता है कि इतने बड़े प्रोग्राम में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब भीड़ लग जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, उस तरह की वो रहती है। Thank you.
लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।